आपकी बिग बॉस की स्टोरी को रिक्रिएट करेंगे, आपकी नोक झोंक, आपका काबरा का डाबरा, मायरा का मसला, हम इसमें वो चीज डालेंगे। अब इसमें गाते भी सुन लो रैप में, आबरा का डाबरा, बेबी मैं वो जादूगर, तेरे मसले मुझे आने लगे यार। पंजाबी गाने में जो रैप आया है मुंबई स्टाइल का, वो उस गाने ने उसमें और चार चांद लगा दिए, और इस वजह से हमारा विद इन सेवन आवर्स में 7 नंबर ट्रेंडिंग पे आ गया है इंडिया में। तो उम्मीद है इस मसले से हमें जल्दी ही राहत मिलेगी, और इंडिया टीवी के साथ मैं हूँ आपके साथ, मसला कोई बिग बॉस का हर साल नया कॉन्सेप्ट आता है, हो सकता है ऐसे भी हो जाए, सिंगल सिंगल बेड होंगे आई थिंक सो। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है। तो आज इंडिया टीवी और साजमू सस्पेंस पर जो बिग बॉस की सबसे फेवरेट जोड़ी रही है, सबसे क्यूट, सबसे फनी, सबसे नॉटी जोड़ी रही है, वो आज हमारे साथ है, पारस और मायरा। बहुत बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू पारस। अच्छा क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रहे हैं आप दोनों, पहले तो ये बताइए। सोशल मीडिया पे तो ऑब्वियसली दोनों बहुत एक्टिव है, लेकिन एक नया म्यूजिक वीडियो लेकर आए हैं आप दोनों, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो ये वीडियो करने का मेन मकसद ये था कि हमारी जो पाहिरा की जोड़ी बिग बॉस के अंदर थी वो दोबारा से फैंस को देखने मिले, तो वो हमने रिक्रिएट किया है दोबारा से इस वीडियो में। बाकी आपको पारस छापड़ा बताएं। जी, जो हमारे सिंगर हैं, हमारे सिंगर को हमारी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, व्हेन ही सॉ अस इन बिग बॉस, तब उनको ये था कि हमको, उन्होंने एक हमारे लिए गाना बनाया स्पेशली, and when we were in lockdown, so he called me and he was like, पाजी ये गाना सुन के देखो, ये आपके और मायरा के लिए है, इसमें हम आपकी बिग बॉस की स्टोरी को रिक्रिएट करेंगे, आपकी नोक झोंक, आपका आपरा का डाबरा, मायरा का मसला, हम इसमें वो चीज डालेंगे। तो उसमें हमने एक और एड ऑन कराया जो कि था लोका, ही इज अ रैपर, उसने रैप गाया आपरा का डाबरा, बेबी मैं वो जादूगर, he sang it really well, बहुत अच्छा किया उन्होंने। मतलब एक पंजाबी गाने में जो रैप आया है मुंबई स्टाइल का, वो उस गाने ने उसमें और चार चांद लगा दिए, और इस वजह से हमारा विद इन सेवन आवर्स में 7 नंबर ट्रेंडिंग पे आ गया है इंडिया में। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपकी वीडियो में देखी, दो जो आपके फेवरेट वर्ड्स थे, पारस का आबरा का डाबरा और आपका मसला, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट ऐसे किया गया है, मतलब बहुत मिस कर रहे थे फैंस, जो बिग बॉस के फैंस रहे आप दोनों के, वो बहुत मिस कर रहे थे दोनों शब्दों को। जी जी, तो वो मिस कर रहे थे, और हमें कहीं मौका नहीं मिल रहा था कि यू नो कहीं बोल के बताएं, बोल के तो हमें कई बार लोगों ने देख लिया शो के अंदर। अब इस बार गाते भी सुन लो रैप में, आबरा का डाबरा, बेबी मैं वो जादूगर, तेरे मसले मुझे आने लगे यार। अच्छा, आजकल आजकल माहिरा के मसले हैं क्या, क्या मसला चल रहा है आपके साथ माहिरा आजकल? मैं बस यही चाहती हूँ कि दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो खत्म हो जाए, वो है कोरोना जैसा मसला। तो उम्मीद है इस मसले से हमें जल्दी ही राहत मिलेगी, और इंडिया टीवी के साथ मैं हूँ आपके साथ, मसला कोई यही मसला है अभी। इतना मिस कर रहा था ना इनके मुंह से ये सुनने के लिए कि आज मेरा ये मसला है, आज मेरे साथ मसला हो गया है। हाँ जी, क्या मसला है यार, सिर्फ कोरोना मसला है। अच्छा पारस, आप बताइए, जब से बिग बॉस खत्म हुआ है अप्रोक्सीमेटली लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं, क्या कर रहे थे ये 6-7 महीने? ऑब्वियसली 3-4 महीने तो लॉकडाउन में ही चले गए, तो कैसा बिताया आप दोनों ने लॉकडाउन? हम दोनों ने लॉकडाउन अपने अपने घर पे बिताया, टीवी देख देख के, और और थोड़ा सा सोशल मीडिया, थोड़ा सा हमने काम भी किया है लॉकडाउन में भी, हमने हैशटैग लव सॉन्ग किया है, और लॉकडाउन में हमने ज्यादातर बेसिकली यही किया है कि घर पे फैमिली के साथ हमने टाइम स्पेंड किया है बहुत अच्छे से, मेरी मम्मी भी आई हुई थी और इसने भी अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, तो जो हमारा 5-6 मंथ जो हमारे निकले हैं बिग बॉस के अंदर, जो हमने अपनी फैमिली को मिस किया है, हमने उस टाइम को वहां यूटिलाइज किया है विद फैमिली। मायरा आप बताइए, आपने क्या किया है, फिर मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया या फिर कुछ और, क्या चीजें मिस करी आपने ये बताइए, शॉपिंग, स्पा, सैलून, बिंदास हूँ, घर पे ही सब कर लेती हूँ। मैंने अपनी कैट्स को बहुत तंग किया है,
कोरोना या ये लॉकडाउन हम जितना लोगों के लिए डिफिकल्ट था, जितना भी होगा उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट मेरी कैट्स के लिए था, क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती वो मुझसे डरती है क्योंकि मैंने बहुत तंग करती हूँ। तो वो 3-4 महीने तो फैमिली के साथ रहे, लेकिन उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ आ गई थी बिकॉज ऑफ वर्क, तो तब से यहाँ पर शूट कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा बिग बॉस के बारे में भी बात हो जाए। सलमान खान एक और सीजन लेकर आ रहे हैं, बिग बॉस 14, और वादा किया जा रहा है कि इस बार का सीजन और भी ज्यादा खतरनाक और ग्रैंड होने वाला है। आप दोनों का क्या ख्याल है, कैसा होगा ये सीजन, किस तरीके से शूट करेंगे? पहले तो मैं जानना चाहता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होगी कोरोना के टाइम। ये तो देखो नए रूल्स आए हैं, है ना, ये तो नए रूल्स आए हैं, ये तो प्रोडक्शन वाले जानते हैं कि उनको क्या क्या गाइडलाइंस मिली हुई है। बाकी जो हम शूट करते हैं वो ऐसे शूट करते हैं कि पहले कहीं पे भी स्टूडियो में जाने से पहले हमारा अच्छे से चेकअप होता है, हमारा टेम्परेचर चेक होता है, हमें मास्क दिए जाते हैं, सैनिटाइज किया जाता है। तो आई गेस शायद ये लोग भी ऐसे ही करेंगे, अच्छे से पहले सबके चेकअप होंगे, उसके बाद सबको अंदर भेजा जाएगा। क्योंकि कोरोना, जब कोरोना नहीं था तब भी बिग बॉस के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बिग बॉस में आप जाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट ओके होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलती है। अच्छा एक चीज में और, तो इस बार एक्स्ट्रा होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है कि मतलब एक जो कॉमन बड़ा बेडरूम था उसको छोटे छोटे बेडरूम्स में डिवाइड कर देंगे, सबके सिंगल सिंगल बेड होंगे, सबके सब वॉशरूम। बिग बॉस का तो हर साल नया कॉन्सेप्ट आता है, हो सकता है ऐसे भी हो जाए, सिंगल सिंगल बेड होंगे, आई थिंक सो। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अंदर कोई भी जाएगा वो मेडिकल चेकअप करवा के ही जाएगा, और अगर किसी कोरोना हुआ तो ऑफ कोर्स तो मिलेगी नहीं। तो अगर किसी कोरोना नहीं है, दे कैन स्टे टुगेदर, मतलब ऑफ कोर्स दे हैव टू स्टे टुगेदर इन बिग बॉस, अदरवाइज बिग बॉस का कोई मतलब ही नहीं। राइट, दैट्स ट्रू। या अच्छा, आपने जो म्यूजिक वीडियो जो शूट किया है उसका वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शब्द तो गाने के हैं इंटरेस्टिंग, आप दोनों की पर्सनैलिटीज उभर के सामने आ रही है, लेकिन वीडियो में भी जो नोकझोंक और जो मस्ती और एक तरीके की जो गहरी दोस्ती है वो देखने को मिली है, और वो सभी फैंस को वो बिग बॉस वाली यादें वापस दिला रही है। आप दोनों को कितना मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया, हम दोनों वैसे भी एक दूसरे का इतना ज्यादा कंफर्टेबल है शूट करने में, हमारी जो दोस्ती है और हमारी जो मस्तियां होती है सेट पे, हम मस्तियों के साथ साथ शूट करते हैं, तो यू नो जो हमारे सिंगर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लोग होते हैं चुप रहते हैं, काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा काम पे तो फोकस रहता ही है क्योंकि हम दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा ऐसा रहता है कि हम यू नो अच्छा दें और मस्ती करते करते शूट करते हैं, एनवायरमेंट पूरा पॉजिटिव रखते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है, और इसलिए आपने वीडियो देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कितनी पॉजिटिव वीडियो है, कितनी हैपनिंग वीडियो है, फन वीडियो है। अच्छा एक लास्ट सवाल है मेरा माहिरा से, माहिरा आपने ये तो बता दिया कि आपको क्या मसला है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पारस से क्या मसला है, क्या मसला? पारस से मसला ये है कि ये खाना बहुत फास्ट खाता है, और दूसरा मसला ये है कि मेरे ऊपर वाले फ्लैट पे ही रहता है तो मुझसे चीजें बहुत मांगता है मुझे चीनी दे दे, मुझे दूध दे दे डिमांडिंग पड़ोसी मिला है आपको? हाँ, अगर आपको सब कुछ पड़ा है घर पे, इसका फ्रिज खोल के देखोगे तो सब कुछ है, लेकिन वो ना तंग करने के लिए बार बार वो होता है टोकरी लटका देते हैं और बोलते हैं यार खाना दे दे थोड़ा सा। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस पारस एंड मायरा, और जिस तरीके की आप दोनों की केमिस्ट्री है, दोस्ती है मुझे, और उसी केमिस्ट्री और दोस्ती की झलक हमें म्यूजिक वीडियो में देखने को मिली है। हम उम्मीद करें कि बहुत जल्दी और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आप दोनों नजर आएंगे एक साथ। यस, फॉर श्योर, आपकी ये उम्मीद को हम जल्दी पूरा करने वाले। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।